गुड मॉर्निंग फ्रॉम बासोट भिक्कासेन। अब आप सोच रहे होंगे पिछले 20 दिनों से वीडियो क्यों नहीं आई, क्यों? उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखो, ये जो फोटोज हैं कल की हैं और आज की ब्लॉग हम यहीं जाने वाले हैं, तो समझ लो कितना एडवेंचर वाला ब्लॉग होने वाला है आज का हमारा। और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये चीज़ें, ये जो छोटी मोटी आर्क हैं, लेकिन आगे जो ट्रैवल होने वाला है आज हमारे रास्ते में, बहुत जगहों पर सुना है कि हो रखा है, कल 2 या 3 बार रोड ब्लॉक हो चुकी है। अब इस साइड देखो आप एक बार ज़रा, ये इधर रोलर वगैरह काम पे लगे हुए हैं। सो या सो वी आर इन हिम दर्शन ढाबा, पीछे हिम दर्शन ढाबा रेस्टोरेंट वगैरह है, हिमालय के दर्शन होते हैं, लेकिन आज हो नहीं रही है। देखो बीच रास्ते में जेसीबी खड़ी है यहाँ पे, आप देख लो, ये थंबनेल भी हो सकता है वैसे तो। मौसम इतना प्यारा हो रहा है मेरे पीछे देखो आप, और जैकेट निकल चुकी है, ठंड बढ़ चुकी है यहाँ पे, और ये रास्ता घट्टी का। और इस रूट पर जाओगे तो भतरोस खान, जिस पर मैंने ब्लॉग बनाया हुआ नहीं देखा तो प्राइवेट बटन पर लिंक है। इस रूट पर पहली बार जाएंगे रामनगर, और अभी यहाँ पे इस दुकान पर देख लो हम बैठे थे चाय पीने, तो वहाँ पर पता चला कि जो रोड है ब्लॉक हो रही है, गाड़ियाँ नहीं आ रही, और आगे कल वहाँ पर जीप बही हुई है। तो गाइस जब आप इस जगह पर आओगे तो यहाँ पर आपको रामनगर के लिए भतरोस खान के लिए हर आधे पौने घंटे में एक बस मिलती रहेगी, लेकिन आज कंडीशन ऐसी है कि लगभग 1 या 1.5 घंटे में एक बस आ रही है, वो भी रुक रुक के आ रही है, तो क्या कि जहाँ पे ब्लॉक हुई है रोड, जीप वगैरह पानी बहुत है तो बह जा रही है गाड़ियाँ। अब देखो आगे ब्लॉक में आपको क्या देखने को मिलता है। फिलहाल ये देखो मेरे पीछे का मौसम, अगर आप देख रहे होंगे तो पूरा कोहरा है इस साइड को, और पूरा बंद है, जेसीबी बीच में खड़ी, पता नहीं क्या रीज़न है इसका, अभी शायद ख़राब हो गई है या कुछ चीज़ें उसमें, देखो पत्ते वगैरह लगे हैं पीछे, आपको मैं दिखाता हूँ एक पल के लिए, ये देख लो आप एक बार हाथ पे ना मेरे, वेट करो। कहाँ काम पे गई थी कहीं? काम पे गई थी कहीं? कहाँ पे जा रहा था? कहाँ पे जा रहे थे? आगे खराब हो गई जेसीबी? हाँ जेसीबी, देख लो जेसीबी खराब हो गई। यहाँ पे कहाँ पे लगी थी काम पे? ये देखो पत्ते वगैरह लगे हैं यहाँ पे, आगे सुख लिया हमने लगे। हाँ हमने बन गई आई, मतलब बस ले रहा है कल वही वगैरह है गाड़ी यहाँ पे, फोटो बस वही वगैरह, और छोटी जीप एक छोटी, नुकसान तो नहीं हो किसी का? वैसे ये अच्छा है, तीन लापता है जीप वाले में, बस में तो सब सेफ है शायद, बस में शायद सेफ है, पता नहीं मशीन में शायद, जीप में जो हुआ था एक तीन लापता और एक की डेथ होगी ऐसी खबर आ रही है, श्योर नहीं है इसको, श्योर मत समझना, बट देखते हैं। सिया जब मैं छोटा था तो हमसे हमारे टीचर पूछते कि सबसे बढ़िया मौसम कौन सा होता है, कोई कहता था मुझे जाड़ों का पसंद है, कोई कहता था मुझे गर्मियों का पसंद है, लेकिन असली जो मौसम होता है वो ये होता है, देखो बारिश के बाद पहली धूप आती है। लगा मौसम और इस नज़ारे के बाद आपके लिए ये नज़ारा वेट कर रहा है, देखो मेरे पीछे एक बार, यहाँ पर रोड ब्लॉक हुई है लेकिन कम है, जो अगली वाली यहाँ पर न्यू जगह पर ज़्यादा है। अब आप ये देखो एक बार, ऐसे लोकेशन पाए और ऐसे हरियाली और मौसम नज़ारे तुम देख ही रहो ना, एक नंबर नज़ारे हैं, नज़ारे पसंद आ रहे तो एक लाइक एक शेयर तो बनता है, अपने सारे ग्रुप में शेयर करो लगे आते हैं। ये है देखो सारे रेस्टोरेंट साइड है, छोटे छोटे ढाबा है देखा आपने, इधर साइड लंच चाहे ब्रेकफास्ट वगैरह सारा मिलेगा, लेकिन रात को सारे बंद हो जाते हैं, दिन पर ही चलते हैं सारे। और अब थोड़ा सा धूप निकल चुकी है, इसको उतारने का टाइम भी आ चुका है। तो या और जब भी आपने पीछे मेरे वो देखा नाला, वो छोटा है, लेकिन जो असली हमारा जो मेन एडवेंचर है वो हमें मिलेगा थोड़ा सा आगे। अब उसके लिए रेडी रहते हैं, मिलते हैं उस लोकेशन। जिस धारे की मैं आपसे बात कर रहा था ब्लॉक के स्टार्ट से लेकर अब तक का, वहाँ पहुँच चुका, और मेरे आगे पीछे आप देख लो पूरे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, ये देख लो लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, और अभी नहीं 2-3 घंटे से हैं। अब देखो कितना पानी आता है, रियली बहुत है भाई, ये आप देख लो मेरे पीछे एक बार, ये है वो गधेरा पूरा कवर कर रखा है, ये रोड है और आज यहाँ पर गधेरा भी चालू हो चुका है, देखो रूट यहाँ पे ये पूरा कवर कर रखा है, यहीं पे गाड़ी भरी हुई है। एक आपको आवाज़ मेरी कम आ रही है, नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी,
मैं आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ जो गाड़ी कल फंसी थी। ओके पहले गाड़ी फंसी थी यहाँ पे। बीच में जो गड्ढा हुआ है उसमें बहुत सारी गाड़ियां जा रही है ना, कल भी इसी वजह से पलटी की गाड़ियां हैं। बीच में गड्ढा बता रहे हैं यहाँ पे ना, जो अभी तक पूरा नहीं हो रखा है, उस वजह से गाड़ियाँ क्या होती है, गड्ढे फंस जाती है ना, वो पलट जाती हैं और रुक जाती हैं क्योंकि एक्सेलरेशन बन नहीं पाता उतना। देखो अभी बहुत गाड़ी लग 100 गाड़ियां तो है। दो बजट पास हो गए लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है, बोल रहे हैं 100 गाड़ियां तो होंगी सर, इधर साइड पूरी 200 गाड़ियां लगभग, और 2500 आदमी यहाँ पे रुका हुआ है पूरा। देख लो इतने सारे यहाँ पे ट्रैफिक है पूरे मेरे पीछे इस साइड को, और देख लो इस बार फुल कवर्ड, और सुबह 9 बजे से गाड़ियाँ आई नहीं रही, जाए नहीं रही है। ये रीजन है कि रामनगर और कैसा नाला रूट पूरा बंद रहता है, पूरा बंद पूरा कुमार गढ़वाल टच करता है, क्योंकि नैनीताल सिटी में आता है रामनगर और इधर अल्मोड़ा, और इस साइड तुम्हारा यहाँ से डेली निकलने वाली गाड़ियाँ पूरी दिल्ली का ना, दिल्ली मासी सब इधर रुकी हुई है। कल तो जब मैं वहाँ पहुँचा उसके बाद लोगों ने पूछा कि यार कौन से चैनल से हो, क्या हो, तो उसके बाद लोगों ने कहा कि यार आपके पास मीडिया में इस बात को शेयर करने की, यहाँ पर हम लोग इतने प्रॉब्लम कर रहे हैं, 1000 लोग फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा सब लोग बात करने के, लोग काफ़ी गुस्सा हो गए उसके बाद, तो मैंने वहाँ पर ब्लॉग एंड कर दिया। तो अब हम आपसे बात करते हैं कि अगर कोई नेताजी लोग देख रहे हैं या कोई लोकल से देख रहा होगा रामनगर से, तो देखो गाइस इतनी प्रॉब्लम होती है लोगों को, आप फंसे रहते हैं दिन भर, गाड़ियों का नुकसान होता है, टाइम का टाइम वेस्ट होता है। सो कोई प्रॉब्लम अगर होती है, कोई नेताजी लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखो, ये प्रॉब्लम्स हैं। और अगर कोई नहीं भी देख रहा होता, तो अपनी पब्लिक पे इतना भरोसा, अपनी ऑडियंस पे भरोसा कि जरूर वीडियो को शेयर करेंगे, और कोई ना कोई तो देख ही लेगा कि जो यार प्रॉब्लम समझे और जल्दी से सोल्यूशन हो। सोचो अगर एक बार कि अगर हम अगले बार जाएं उस लोकेशन पे और वहाँ पूरा एक पुल बना हुआ मिले, ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करें, कितना बढ़िया होगा। सनसेट देखो एक बार पीछे। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।